हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुकोश टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास टेन टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो वॉट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ दे आर रिएक्ट और रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू स्टमलाय कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म र्थ में प्रेजेंट है वो रिएक्ट और रिस्पोंड करता है अगर वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो नॉन लिविंग है राइट right? तो रिएक्ट और रिस्पोंड करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है बॉडी में राइट right? को, को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि प्लांट फॉर एग्जाम्पल प्लांट रिएक्ट और रिस्पोंड कैसे करेंगे प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते राइट right? प्लांट तो स्टेडी होते हैं प्लांट कैन नॉट मूव तो वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो रिएक्ट और रिस्पोंड करेंगे ड्यू टू देयर ग्रोथ वो ग्रोथ करेंगे टुवर्ड्स द स्टिम्युलाई तो ग्रोथ उनकी मूवमेंट बताएगा कि वो कैसे ग्रोथ करें किस डायरेक्शन में ग्रोथ करें तो वो उसका रिएक्शन हुआ एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर राइट सो वो ऐसे स्टिम्युलाई के अगेंस्ट वो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करते हैं तो व्हाट इज स्टिम्युलाई स्टमुलाई क्या है बेसिकली जो आसपास का एनवायरमेंट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आसपास का जो एनवायरमेंट है वो चेंज होगा वो चेंज होगा तो वहां से उसे स्टिम्युलाय मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइट वाटर एयर टेम्परेचर प्रेशर ये सारे क्या है स्टिम्युलाय है जो एनवायरमेंट आसपास का जो एनवायरमेंट है वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वहां से जो एनर्जी आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एनर्जी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहे हैं राइट right? तो वो स्टिम्युलाई है स्टमुलाई मीन्स जो ट्रिगर कर रही है बिहेवियर और इमोशनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्टूम्युलाई कहेंगे उसे तो सी आप यहाँ पे देख सकते हो प्लांट ग्रो कर रहा है राइट right? क्या है लाइट जैसे ही लाइट इस तरफ से आ रही है प्लांट उस तरफ ग्रो कर रहा है लाइट इस तरफ से आ रही है तो प्लांट इस तरफ ग्रो कर रहा है तो प्लांट ग्रोथ कर रहा है वो उसकी मूवमेंट है प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है राइट प्लांट ग्रो करके उसकी मूवमेंट बता रहा है प्लांट आर लिविंग सो प्लांट ग्रोथ करके उसकी मूवमेंट बताता है एंड एनिमल्स एनिमल्स कैसे उसके मूवमेंट बता रहे हैं जैसे कि यहां पर लेपर्ड आप देख रहे हो लेपर्ड रन कर रहा है राइट तो वो क्यों रन कर रहा है उसे प्रे की दूसरे एनिमल की आवाज आई तो उसे फॉर फॉर फूड फॉर फूड वो रन कर रहा है राइट तो साउंड इज अ अटमुला जैसे ही स्टूम्युलाई आई साउंड आया उसने मूवमेंट की रनिंग की प्लांट ने मूवमेंट की ग्रोथ की जैसे ही सनलाइट आई प्लांट ने उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया राइट right? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्ट और रिस्पोंड करते हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है उनके पास कैसे सिस्टम है तो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बट एनिमल्स ज्यादा रिस्पोंड करते हैं फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं टू अस दिलाई क्यों क्योंकि एनिमल के पास क्या है नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है दो सिस्टम है जो पूरे एनिमल animal की एनिमल्स को कंट्रोल करता है इसलिए वो फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं फास्ट के वो दौड़ के गया लेपर्ड राइट बट प्लांट प्लांट की मूवमेंट आपको दिखती भी नहीं है प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो मूवमेंट आपको दिखती भी नहीं है आप कितने डेज के बाद आपको दिखेगा हाँ प्लांट मूव किया है प्लांट ने थोड़ा ग्रोथ किया है राइट क्योंकि प्लांट सो, स्लो मूवमेंट कर रहे हैं स्लो ग्रोथ कर रहे हैं क्यों क्योंकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है राइट कोई डेवलप ऐसी सिस्टम नहीं है प्लांट के पास केमिकल सिस्टम होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आ, देखेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स So, animals. Animals में कैसे होता है? जो पूरी ऑल ओवर बॉडी तो नहीं कोई कहीं और काम कर रहा है दोनों हाथ अगर आप मूव कर रहे हो तो साथ में मूव कर रहे हैं जैसा आप कंट्रोल करना चाहते हो वैसे मूव कर रहे हैं तो पूरी बॉडी को साथ में स्टमलाई के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स देना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टच द हॉट प्लेट राइट यू सडनली टेक अवे द हैंड तो आप, आपने जैसे ही स्ट्यूमिला हाथ अपना पीछे खींच लिया तो दिस माइक्रो सेकंड में हमने हाथ अपना पीछे खींच लिया तो ये कैसे हुआ राइट right, तो इसे पूरे मोमेंट के इसे पूरा एक्शन को कंट्रोल करने के लिए एनिमल्स में दो सिस्टम बनाई है दो सिस्टम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स एंडोक्राइ नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए मैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सो कंट्रोल एंड कॉर्डिनेट वेरियस वर्क The working of together of the various organ of an organism, the systematic manner, so as to produce a proper response. Proper response karne ke liye सारे body organ साथ में काम करेंगे। जैसे कि तुमने मैंने example दिया, तुमने hand remove किया, right? तो ये जो hand remove की process हुई, उसके लिए जो process हुई है। सारे ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल में कोऑर्डिनेट किया पूरी बॉडी ने कंट्रोल में कोऑर्डिनेट किया तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स फर्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा राइट right? तो ये स्ट्यूम्युलाई है स्ट्यूम्युलाई किसने रिसीव की कौन आगे पास ऑन करेगा ये हम देखेंगे तो ये जो नर्वस सिस्टम है तो स्ट्यूमुल रिसीव करने के लिए पूरी हमारी एनिमल एनिमल बॉडी पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है हमें कोई लाइट आ रही है कुछ भी स्टिम्युलाई आ रही है एनवायरमेंटल चेंज जो हो रहा है वो हमें कैसे फील हुआ राइट right? उसके लिए हमारे पास क्या है सेंस ऑर्गन हैं सो देर आर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देर आर फाइव सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी नोज ईयर आई दिस इज द टंग एंड हैंड शोज द स्किन ओके तो दिस आर द फाइव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन अवर बॉडी ओके तो नोस नो अब ये सारे साइंस ऑर्गन साइंस ऑर्गन के साइंस ऑर्गन के पास ऐसा क्या है जो स्टिम्यूलाई को रिसीव कर रहा है ओके तो साइंस ऑर्गन पे सेल और नंबर ऑफ सेल्स एक सेल और नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो स्टिम्यूलाई को रिसीव कर रहे हैं तो उस, उसे बोलेंगे रिसेप्टर ओके okay, जो सेल और ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना रहा है रिसेप्टर बना रहा है जो स्टूमलाई को रिसीव कर रहे हैं तो नोज के पास कौन सा रिसेप्टर है नोज हैव द ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर नोज के पास ईयर के पास रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर के पास फोनो रिसेप्टर है आई के पास रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर. आई क्या कैच अप करती है स्टूडेंट्स? लाइट राइट तो हम उसे बोलेंगे लाइट को कैचअप करने के लिए फोटो रिसेप्टर है टंग के पास टेस्ट हम टेस्ट करते हैं राइट right? हमें सोल्टी सोर सब टेस्ट आता है तो टंग के पास कौन सा रिसेप्टर है गेस्टो रिसेप्टर गैस्ट्रो रिसेप्टर है हैंड स्किन स्कीन के पास कौन सा रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर हमें होट कॉल्ड सब फील होता है राइट तो वो हमें स्कीन से फील होता है तो स्कीन के पे जो स्टिमुल है वो किसने रिसीव किया थर्मो रिसेप्टर पे ओके तो ये सारा सेंस ऑर्गन से हमारी बॉडी एनिमल बॉडी पे, पे प्रेजेंट है अब ये स्टिमुलाई तो रिसीव कर लिया इन सारे रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया एनर्जी रिसीव कर ली जो इलेक्ट्रॉन से बनी है केमिकल एनर्जी रिसीव कर ली अब ये सारे सेल्स सेल्स हैं रिसेप्टर बेसिकली किससे बने हैं, बने से अब ये ये जो एनर्जी है वो ब्रेन तक लेके जाएंगे राइट जो नर्वस सिस्टम है वहां पे देंगे तो ये कैसे पास ऑन करेंगे एक दूसरे को एक सेल से दूसरे सेल तो इसके लिए एक चैनल बनी है तो वो सेल्स सेल से बनी है राइट तो वो सेल्स कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे ओके तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नर्वस सिस्टम है राइट right? मैंने बोला इस इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम ओनली डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम एक पूरी सेल से बनी है विच वी कॉल्ड न्यूरॉन हम उसे उस सेल्स का नाम क्या है न्यूरॉन और उसे हम नर्व सेल्स भी कह सकते हैं नर्व सेल ये सेल एनिमल्स एनिमल, से, एनिमल बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल्स से होते हैं ओके दे, आप देख सकते हो सी लार्जेस्ट सेल्स ओके तो हम पहले सेल्स के पार्ट पढ़ लेते हैं कि सेल्स में क्या क्या पार्ट्स हैं सो फर्स्ट फर्स्ट यू सी दिस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट डेंड्राइड ओके डेंड्राइड्स हैं दिस इज द सेल बॉडी जैसे कि सारे सेल्स हैं वैसे ही ये सेल बॉडी है उसे हम सोमा बोल सकते हैं एंड सेल जैसे कि सारी सेल्स में ऑर्गेनल्स रहती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स विच आर फंक्शन विच आर फंक्शनल इन ओके okay, तो सेल बॉडी यहां पे भी सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी बट वन सेल ऑर्गेनल इज एबसेंट इन न्यूरॉन सेल विच ऑर्गेनल इज इट सेंट्रो सो स्टूडेंट सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या होता है सेंट्रोजोम का फंक्शन होता है सेल डिवीजन का राइट सेल सेल डिवाइड्स करते हैं तो सेल डिवीजन के लिए कौन सी ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल respons है सेंट्रोजोम तो सेंट्रोजोम यहां पे एब्सेंट है सेल में सेंट्रोजोम एबसेंट है राइट तो सेंट्रोजोम एबसेंट है मीन्स न्यूरोन सेल कैन नॉट डिवाइड तो वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं न्यू फॉर्म नहीं हो सकते इसलिए कहते हैं जो ब्रेन इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो सीवियर होती है क्यों सीवियर होती है अगर ये सेल डैमेज हुए तो ये दोबारा अब न्यूली फॉर्म नहीं कर रहे हैं डिवाइड नहीं कर रहे हैं न्यू फॉर्म नहीं करेंगे तो वापसी यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा राइट तो दिस इज वेरी डेलिकेट सेल्स तो अगर ये एक बार ब्लैक हो गए न्यू फॉर्म नहीं होंगे इसमें कौन सी ऑर्गेनल नहीं है सेंट्रोजोम ऑर्गेनल प्रेजेंटिंग है, लाइक okay? -like Neur, स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे यहां से यहां तक एक्सोन क्या बोलेंगे एक्सोन एक्सोन में अब यहां पे प्रेजेंट रहते हैं पे, पे प्रेजेंट रहते हैं एक्सोन से अटैच उसे हम बोलेंगे इस सेल्स को नाम है स्वैन सेल्स स्वैन स्वैन सेल्स अब ये स्वेन स्वेल सेल्स हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं एक माइलिन शीत से एक इंसुलेटर इंसुलेटिंग जैसा काम करती है उस शीत का नाम है माइलिन माइलिंग शीत माइलिंग शीत क्यों है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेंगी सेल्स को क्योंकि यहां से मैसेज यहाँ पे जा रहा है राइट तो बीच में एक मैसेज कोई इंटरप्ट ना कर दे कोई मैसेज में डिस्टरबेंस ना आ जाए क्योंकि यहाँ से हमें मैसेज मिला है कि प्लेट गर्म है Right? राइट ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते मैसेज डिस्टर्ब ना हो जाए दैट्स और फास्ट भी तो भेजना है मैसेज को फास्ट एंड दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन तो ये एंडिंग पार्ट को हम क्या बोलेंगे न्यूरॉन टर्मिनल न्यूरॉन टर्मिनल न्यूरोन एंड एंड एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सो एक्सोन टर्मिनल हो या नर्व एंड भी बोल सकते हो अब इस एंड में यहां पे यहां ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है लाइक दिस। दिस लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट साइनेप्टिक्नोब ओके द साइनेप्टिक साइनेप्टिक्नोब सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, राइट अब हम देखेंगे कि ये न्यूरॉन कैसे फंक्शन कर रही है ओके सी आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेंड्राइट से जो इम्पल्स है वो आ रहा है राइट इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहा है ओके okay, स्टूडेंट तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंपल्स इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या है जो स्टिमूला आई थी स्टिमूला ने एनर्जी दी राइट केमिकल एनर्जी दी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया सेल्स ने तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वो न्यूरॉन जब पास ऑन करते हैं हम हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो यहाँ से डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव करेंगे और यहां से मूव करेंगे सी आप जैसे देख सकते हो यहां से इम्पल्स आए इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो पास ऑन हो रही है यहां से राइट सो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस कभी भी इंपल्स यहां से वहां नहीं जाएगी रिसीव हमेशा डेंड्राइड्स करेंगी और वो एक्सोन के थ्रू न एक्सोन टर्मिनल को देंगी यहाँ से यहां नहीं जाएंगे तो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस सो सी इलेक्ट्रिक इंपल्स पास थ्रू दिस फ्रॉम द एक्सोन देन टू द एक्सोन टर्मिनल ओके तो दिस इज हाउ द न्यूरोन फंक्शन अब ये एक न्यूरोन से पास ऑन हो गई अब आगे कहां जाएगी

राइट second neuron. second यहां पर like हो right? मैंने क्या बताया था यहाँ पे साइनेटिक नॉब है अब साइनेटिकनॉब यहां से फिर मैसेज कैसे ट्रांसफर करेगा वो हम देखते हैं ओके okay. सो so, हमने देखा था लास्ट में क्या था यहाँ पे साइनेपथ था साइनेप्टिक क्लॉब में साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट है सी जो नर्व एंड था नर्व एंड में मैंने साइनेप्टिक नॉब बताया आपको वहां पे क्या है साइनेप्टिक वेसल्स है इस साइनेप्टिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आई है तो वो एक केमिकल रिसीव कर लेगा यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है वहां पे साइनेप्टिक वेसल्स है उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है न्यूरो ओके okay? वो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव कर लेगा और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहां से वो बाहर की सरफेस पे डिफ्यूज कर देगा राइट right? तो यहां पे बाहर नेक्स्ट न्यूरॉन के जो सरफेस होगी तो यहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से रिसीव कर लेंगे स्टूडेंट बेसिकली जो एक्सोन एंड है और दूसरी जो न्यूरॉन है सी आप यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूरॉन है दिस इज द अनादर न्यूरॉन तो ये एक दूसरे से यहाँ पे फुल्ली अटैच नहीं है दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है राइट तो उस गैप को हम बोले सिनेप uh, है उस गैप को हम क्या बोलेंगे सिनेप तो ट इज साइनेप इज साइनेप इज साइनेट गैप बिटवीन द प्री फर्स्ट न्यूरोन अनदर न्यूरोन के बीच में जो गैप है उसे हम साइनेप बोलेंगे और उसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसे हम दूसरा टर्म क्या बोल सकते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्स बोलो या साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिस इज अ गैप जो एक न्यूरॉन uh, टर्मिनल और दूसरी न्यूरॉन डेंड्राइड के बीच में है उसे हम साइनेप synapt या साइनेप्टिक क्लेप्ट बोलेंगे तो यहां से न्यूरो ट्रांसमीटर न्यू पोस्ट साइनेप्टिक जो डेंड्राइट्स हैं दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे वो रिसीव कर लेंगे एंड ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू ओके ओके नाउ देर आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये आपने मैंने आपको न्यूरॉन बताया अब इसके भी टाइप्स हैं कुछ मैसेज जो स्टमलाइज से लेके जाती हैं राइट जो लेके जाएंगे ब्रेन तक ब्रेन से वापस लेके आएंगे तो ये पूरा एक सर्कल है तो एक पाथवे पे नहीं चलेगा तो देर आर टाइप्स ऑफ देर आर टाइप्स ऑफ न्यूरोन जो न्यूरोन स्टूम्युलाइज लेती है सेल से रिसेप्टर से जिन्होंने इलेक्ट्रिक इंपल्स लिए उन्हें हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरोन फिर सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज लेके जाएंगे इंटर इंटर न्यूरॉन और हम उसे रिले न्यूरोन एसोसिएशन न्यूरोन भी कह सकते हैं ये कहां पे होंगे स्टूडेंट्स? ये होगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे यहां से रिसेप्टर से जो मैसेज आया

जैसे कि मैंने हॉट मैंने एग्जाम्पल दिया था हॉट हॉट प्लेट प्लेट आई आई टच द राइट सडनली पुल पुल्ड अप अप हैंड हैंड सो जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ मसल राइट तो ये मसल का कॉन्ट्रेक्शन हुआ दैट्स वो जो रिस्पांस आया ब्रेन ने मैसेज दिया मसल्स को तो वो लेके आई मोटर न्यूरॉन तो उसकी वजह से जो इफेक्ट हुई वो मसल्स पे हुई मसल्स ने कॉन्ट्रेक्शन किया तो उसे हम बोलेंगे इफेक्ट ओके मसल्स एंड ग्लैंड मसल्स एंड ग्लैंड होते हैं मसल एंड ग्लैंड मसल्स एंड ग्लैंड आर द दफेक्टर जो इफेक्ट होंगे मैसेज रिस्पॉन्स आने से ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया था राइट right? मैसेज पढ़ के जो ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया वो उससे कौन इफेक्ट होगा मसल्स एंड ग्लैंड उसे बोलेंगे हम इफेक्टर सी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सर्किट ने सर्किट्राइडर से इलेक्ट्रिक इंपल्स लिए वहां वहां से से वो आ, वो डायरेक्शन पे पे गए नेक्स्ट न्यूरॉन न्यूरॉन जो है फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड ने रिस्पॉन्स दिया जो कौन लेके आया मोटर न्यूरोन मोटर न्यूरोन से मसल्स एंड ग्लैंड जो इफेक्टर है वहां पे ये तो ये पूरा इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने खाली हॉट प्लेट टच की और हाथ लिया तो ये जो पूरी मूवमेंट थी वो ये पूरा सर्किट कंप्लीट करता है ओके नाउ देर आर टू टाइप आई ऑलरेडी से टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन एनिमल्स नर्वस नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम राइट तो नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो नर्वस सिस्टम है टू टाइप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सो वॉट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है उसमें आएगा ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल नर्वस सिस्टम किससे बना है नर्व से वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन से तो पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना पढ़, समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्या, क्या, क्या कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या कंट्रोल करता है राइट तो लेट्स सीज ब्रेन स्ट्रक्चर

जिस जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ब्रेन और स्पाइनल बोथ पे राइट ब्रेन और स्पाइनल बोथ आर प्रोटेक्टेड विथ थ्री मैनजेस ले कॉल्ड इट फर्स्ट लेयर इज डूरा मैटर सेकेंड सेकेंड ले

राइट right? सब एरकेनोइड स्पेस है दोनों के बीच में तो वो कौन सा फ्लूइड है स्पाइनल फ्लूइड। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट यहां पे वो फ्लूइड का नाम है सेरिबो स्पाइनल फ्लूड तो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है वो एब्जॉर्ब करता है शॉक एब्जॉर्ब करता है जो ब्रेन तक ना जा पाए राइट right? ब्रेन को जो मैसेज मिला है उसे डिस्टर्ब ना करे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक से केमिकल शॉक है फिजिकल शॉक है कोई भी शॉक से प्रोटेक्ट करेगा एक कुशन लाइक -like काम करेगा राइट right? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर देगा उसे वो फ्लूइड का नाम है सेरेब्रो फ्लूइड ओके अब ब्रेनस भी पार्ट में डिवाइड है ओके नाउ ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स ओके फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन फोर ब्रेन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके फोर ब्रेन आप देख सकते हो यहां पे जो ये पिंक कलर का जो भी पूरा है वो पूरा का पूरा फोर ब्रेन है तो so, सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो फोर ब्रेन है दिस अ स्मॉल पार्ट ट कलर यू सी इट इज अब क्या काम करता है hind, क्या फंक्शन है? है वो हम वन बाय वन देखेंगे सो दिस इज फोर ब्रेन स्ट्रक्चर राइट फोर ब्रेन में थ्री पार्ट है फर्स्ट वन इज सैरी फर्स्ट वन इज सैरी ब्रम सेकेंड वन इज थैलेमस एंड हाइपोथेलेमस तीन पार्ट में फोर ब्रेन डिवाइडेड है ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा जो फोल्डेड पार्ट है वो कौन सा पार्ट है सैरीब्रम सैरीब्रम जो पार्ट है फोल्डेड पार्ट वो क्या करता है इंटेलिजेंस मेमरी कॉन्शियसनेस आपकी विल पावर और वॉलेंट्री एक्शन आप जो हैंड हिला रहे हो चल रहे हो वॉकिंग रनिंग राइट ये सब एक्शन से वो कौन करता है सेरिब्रम इंटेलिजेंस आपकी जो मेमोरी स्टोर है आप आ, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सारा कौन कौन सा पार्ट देखता है सेरिब्रम देखता है ओके देन दिस पार्ट ये जो पार्ट है ऑल सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल जो यहाँ पे सारे सेंसेस ना आई ईयर टेस्ट ये सारे सेंसेस हैं uh, है, वो थैलेमस कंट्रोल करता है बट स्मेल स्मेल वाला जो टेस्ट है स्मेल वाला था दैक्ट्री राइट right? वो वो सेंस कौन रिसीव करेगा सेरिब्रम वो थैलेमस uh, नहीं करेगा राइट देन हाइपोथैलेमस दिस पार्ट ये छोटा सा पार्ट है हाइपोथेलेमस ब्रेन का वो क्या कंट्रोल करेगा कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर जो आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है राइट फीवर के टाइम बढ़ जाता है ये सारा कंट्रोल इमोशंस कंट्रोल पेन है इमोशंस हैं जो आपके वो एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है ब्रेन में उसे भी कौन कंट्रोल करेगा हाइपोथेलेमस और एक और चीज हाइपोथेलेमस थर्स्ट हंगर ये सब भी कौन कंट्रोल करता है हाइपोथल तो दिस कम टू दिडलोल करता है अनदर नेम ऑफ मिड ब्रेन मिड ब्रेन रिसीव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मॉटर मूवमेंट पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ द आई एंड द ऑडिटरी सो मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है जो आई से विजुअलिटी है आपको इमेज सीधी दिख रही है राइट ठीक से दिख रही है क्या इमेज के कलर्स हैं राइट ये सब पार्ट है वो सेरिब्रम कर रहा है सॉरी थैलेमस कर रहा है थैलेमस को कौन हेल्प कर रहा है मिड ब्रेन मिड ब्रेन आई और जो आ, फोनो रिसेप्टर से जो मैसेजेस आ रहे हैं ऑडिटरी राइट ऑडिटरी जो मैसेज आ रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन एंड विजुअल प्रोसेसिंग पेन एंड द वेड स्लीप साइकिल है जो आपकी वेक एंड स्लीप साइकिल है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन So what is heine brain? Heine brain में भी थ्री पार्ट है फर्स्ट वन इज सैरी बैलम्रेन डिवाइडेड है हाइंड ब्रेन में सैरी बैलम दिस पार्ट ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सैरी बैलम है ये सैरीब्रम है सो डोंट कंफ्यूज सो दिस इज सैरी बैलम कोर्डिनेट मस्क्यूलर एक्टिविटीज जो आपके मस्क्यूलर एक्टिविटीज है ना आप स्ट्रेट चल रहे हो राइट right? सीधा चल रहे हो स्ट्रेट से लिख रहे हो वॉकिंग स्ट्रेट करते हो ऐसा तो नहीं है कि आप हिलते डुलते वॉक कर रहे हो राइट right? स्ट्रेट जो आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आप स्ट्रेट पोजिशन पे करो कंट्रोल मींस के बैलेंसिंग जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है सैरी बैलम ओके इट कंट्रोल्ड बाय द मस्कुलर एक्टिविटी विच इज कंट्रोल बाय द द पॉन्स पॉन्स क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी वो बोथ साइड के बॉडी राइट और लेफ्ट दोनों साथ में काम करें ये कौन कंट्रोल करेगा पॉन्स देन मेड्यूलर ऑब्लंगाटा दिस पार्ट दिस इज द मेड्यूलर ऑब्लंगाटा दिस पार्ट इज द पॉन्स मेड्यूलाटा क्या कंट्रोल करता है कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल इंटरनल साथ में काम सो जाते हो तब भी वो पर्टिकुलरली काम करते हैं राइट तो वो कौन कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लंकाटा दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन दिस इज द ऑल आई एक्सप्लेन ऑल द थ्री पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द

टू एंड फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है फंक्शन क्या है जो स्टिमुलाइज आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं राइट ऑल ओवर द बॉडी से जो नीचे की बॉडी से मैसेजेस आ रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड लेके जाते हैं ब्रेन तक भी नहीं है ओके okay, तो इट इज कनेक्टिविटी ऑफ ऑल बॉडी पार्ट टू द्रेन ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है वो नीचे की बॉडी को देगी जैसे कि आपको चलना है तो वॉकिंग uh, करना है तो लेग्स के मसल वर्क कर रहे हैं राइट right? तो ब्रेन से मैसेज जो आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे लेके आएंगी टूवर्ड्स द बॉटम बॉडी पार्ट्स सो इट इज अ बेसिकली कनेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट सो दिस इज स्पाइनल कॉड ओके नाउ द सेकेंड सिस्टम सेकेंड सिस्टम ऑफ अ एनिमल इज पेरीफेरल सिस्टम पेरीफेरल सिस्टम क्या है पेरीफेरल सिस्टम इज बेसिकंडल ऑफ न्यूरो न्यूरो बंडल एंड नर्व ये सारे बंडल्स मिलकर स्पाइनल कोड और ब्रेन से निकल रहे हैं ला रहे हैं और निकल रहे हैं राइट सो देर आर द कम्युनिकेशन सो वॉट इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट

स इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो दिस वायर लाइक स्ट्रक्चर ये जो वायर्स निकल रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कोर्स आप कह सकते हो वायर्स लाइक स्ट्रक्चर वायर्स जो निकल रहे हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसके नर्व्स के तीन टाइप्स हैं फर्स्ट है क्रेनियल नर्वस सेकेंड है स्पाइनल नर्व एंड थर्ड है विसरल नर्वस अब क्रेनियल नर्व किसे करेंगे इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन अब हेड में जो सारे पार्ट्स हैं

बॉडी लाइक मसल जो नीचे की हैड के अलावा हेड से कनेक्ट करती है क्रेनियल लर्व जो नीचे की बॉडी है नेक से नीचे की बॉडी उसे कौन ब्रेन तक कंट्रोल करके लगाएगा स्पाइनल लर्व देन वो है थर्टी वन पे स्पाइनल नर्व क्या है थर्टी वन पेर्स में है देन विजरल नर्वरल नर्व्स क्या है इट कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड वो बॉडी को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखती है जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें कैसे फंक्शन कर रहा है कब डाइजेशन करना है रेस्पिरेशन हार्ट बीटिंग ये सारा जो कंट्रोल है वो विसरल नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स ओके okay. नाउ ये पूरा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कौन सा मैसेज कहां से जाता है कहां से आता है ओके वी कैन सी इट नाउ वी कम टू द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन सो ये रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ऑटोमेटिक रिस्पांस व्हाट इज रिफ्लेक्स इट इज अ रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पांस रैपिड है जो इंस्टेंट आप रिस्पॉन्स कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप डार्क uh, रूम में बैठे हो वहां से आप लाइट में जा रहे हो राइट right? तो आपका जो आइज प्यूपिल है राइट right? वो छोटा बड़ा हो रहा है स्मॉल एंड एक्सपांड हो रहा है तो बेसिकली वो क्विक रिस्पॉन्स है बिकॉज यू इट प्रोटेक्ट्स योर आइस फॉर योर प्रोटेक्शन राइट अगर आप कहीं पे गाड़ी से व्हीकल से जा रहे हो और बीच में कोई एनिमल आ रहा है राइट right? तो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या होता है ब्रेक राइट यू पुल द ब्रेक तो जो ब्रेक आपका इंस्टेंट था विदाउट एनी थिंकिंग उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है इनवॉलेंट्री एक्शन है जो ब्रेन मैसेज दे रहा है फॉर योर प्रोटेक्शन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्रेन मैसेज दे रहा है वो है इंस्टेंट रिस्पॉन्स उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन सो रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स

रिसेप्टर ने स्मलाइस uh, से रिसीव किया डायरेक्ट ब्रेन को दिया और ब्रेन ने रिकॉग्नाइज uh, करके जो इफेक्टर को मैसेज दिया जो ये क्विक प्रोसेस हुई उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. फॉर एग्जांपल मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम द टचिंग टू द होल्ड प्लेट अगर आपने होल्ड प्लेट को टच किया डायरेक्टली आप इंस्टेंटली आप हैंड पुल ऑन कर रहे हो राइट right? आपने ब्रेक अप्लाई की आपका प्यूपिल uh, छोटा बड़ा हुआ राइट इट इज़ अ स तो वो जो है वो वो कहलाएगी अब ये ये क्या है जो ये reflex, uh, reflex action न, जो है जो जो हुई ना कहां से कहा गया जो है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स तो पाथवे टेकन बाय द नर्व नर्व जो पाथवे लिया इन ए रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क सी एज यू कैन सी हिस्सने जैसे ही सीज किया दिस पांडा सडनली शो द मूवमेंट राइट जो इंस्टेंट था वो बॉडी खुद रिएक्ट करती है आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते इट इज नॉट वॉलेंट्री एक्शन यू कैन सी ही जैसे इसने सीज किया इसने क्विक मूवमेंट किया राइट सो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड हियर यू सी दिस इज अथवे जैसे ही आपने हॉट कैंडल को टच किया तो यहां से थर्मोरिसेप्टर ने आ, रिसीव किया स्टूम को से से, वो pass on हुआ spinal cord से. Spinal cord ने रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके कि दिस इज हॉट आपको फटाफट हाथ ले लेना है बिकॉज इट बर्न्स योर स्किन राइट तो वो फटाफट से मैसेज आया मोटर न्यूरोन के थ्रू मसल्स को पाथवे वी सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाउ वट आर दार एंड वी सी दैरिफेरल नर्वस सिस्टम हाउ इट डू एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आग सो द नेक्स्ट वी सी द एंड्रेन सिस्टम how the body controls by endocrine system we, uh, we can see it by our next video if you like our video please like share and subscribe thank you